धूलिया शहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने धूलिया महानगर पालिका के आयुक्त को एक निवेदन सौंपा और निवेदन में मांगनी की है कि धूलिया के सभी सरकारी दवाखानों में ब्लड टेस्टिंग की मशीन तुरंत लाई जाए ताकि आवाम का इलाज सही वक्त पर हो। निवेदन देते समय नगर सेवक आमिन पटेल, माविन नगर सेवक डॉक्टर सरफराज अंसारी, आसिफ मंसूरी के अलावा कार्यकर्ता मौजूद थे। मेरी आपसे विनती है कि शहर के अंदर डेंगू मलेरिया का प्रमाण कभी भी बढ़ जाता है और उसके वजह से जब पेशेंट महानगर पालिका दवा खाने में जाते हैं तो उसको टेबलेट वगैरह मिल जाती है मगर उसका ब्लड जो है वो चेक नहीं हो पाता। अभी अपने महापालिका के दवा खाने पूरे शहर के अंदर 15 से 20 दवा खाने, अगर वहाँ पे सीबीसी जांच करने का मशीन अगर आता है और डेंगू चालू हुआ तो सीबीसी जब चेक करेंगे उसके अंदर प्लेटलेट जो है वो कम बताता है तो उसका उपचार चालू करने को उसको आसानी रहती है। अगर चेक ही नहीं हुआ और सिर्फ टेबलेट के ऊपर पेशेंट रहा तो उसका प्लेटलेट धीरे धीरे कम होने के बाद जो पेशेंट की जान को जाने का खतरा हो सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा महंगी मशीन है। इससे पहले अपने पिछले 2 साल में 3 मशीन लाए थे, 2 से 2.5 लाख रूपये का मशीन है, 20 से 25 लाख रूपये खर्चा है और पूरे शहर की जनता की जान को जो धोखा होने का प्रमाण है वो कम हो सकता है। तो आपने आप ही आयुक्त जब स्थायी समिति के अंदर जब आपने मैंने बात को उठाया, उठाने के बाद में सभी साहब ने उसको रूलिंग दिया कि मशीन आना चाहिए तो इसके वजह से शहर की जनता को बहुत ज्यादा फायदा होगा महानगर पालिका के अंदर। और जो महिलाएं जब वो टेस्टिंग के लिए जाती है, उनके इलाज के लिए जाती है डिलीवरी की महिलाएं, तो उनको भी ब्लड टेस्ट करने के लगते हैं तो बार बार जो सीबीसी करना पड़ता है, सीबीसी के अंदर ब्लड कितना कम आया, कितना पॉइंट ब्लड है वो भी आ जाता है। तो इससे है ना हमारी शहर की महिलाओं को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हर जहां पर डिलीवरी चेक होता है, डिलीवरी का दवा खाना है महानगर पालिका का, जहां पर उनके फॉर्म भरे जाते हैं वहां पर सीबीसी मशीन अगर रहा तो बहुत ज्यादा फायदा महिलाओं को भी होने वाला है। मेरी विनती है जल्द से जल्द अभी नया बजट आएगा उसके अंदर ये डालकर कम से कम सीबीसी मशीन आना चाहिए, मेरी विनती है। सर इस इम्प्लांटो मशीन के फायदे बहुत से, 3 मिनट 4 मिनट के अंदर मतलब ब्लड की रिपोर्ट आ जाती है और उसमें सारे ब्लड की डिटेल कंप्लीट डिटेल होती है सर। उसमें आरबीसी भी होते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं और हीमोग्राम कितना ग्राम है, एचबी हमारा परसेंट कितना है वो भी फौरन आ जाता है। तो इससे सर बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। जो जो दुर्बल घटक जो एक हिस्सा है हमारा जहाँ जो स्लम बस्ती के अंदर वो लोग उनमें एचबी वगैरह कर नहीं पाते सर कभी, तो जब प्रेग्नेंट होते हैं उस पोजीशन के अंदर जब लोग जैसे ही लोग वहां पहुंचते हैं वहां अगर से हमारे पास सहूलत रही तो लोगों को जल्दी से आसानी होगी सर। और दूसरी चीज ऐसा होता है कि जब डिलीवरी के टाइम पे एंड टाइम पे जब हमको मालूम पड़ता है कि इनके ब्लड बहुत कम है, सीजर नहीं कर सकते, डिलीवरी में प्रॉब्लम आएंगे तो फिर दौड़ पड़ती है सर वहां से कि ब्लड चढ़ाओ ये करो वो करो, ऐसा टक्कर बढ़ती है। स्टार्ट से ही अगर से अपने पास मशीन अवेलेबल रहेगा तो लोगों को ये जो लास्ट मोमेंट में जो प्रॉब्लम आते हैं वो भी नहीं आएंगे। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से एक निवेदन दिया गया आयुक्त साहब को, उसके अंदर जब डेंगू मलेरिया शुरू होता है तो हमारे जो महानगर पालिका के दवा खाने वहाँ पर सीबीसी मशीन नहीं है। जब डेंगू का प्रमाण चलता है तो अगर सीबीसी मशीन रहा तो उसके अंदर ब्लड चेक होता है मशीन के अंदर, उसके अंदर प्लेटलेट कितना कम आया 2 मिनट के अंदर मालूम हो जाता है। उसके बाद में पेशेंट डेंगू के पेशेंट का इलाज करने को, उपचार करने को ताबड़तोब समझ में आ जाता है, उसका उपचार शुरू हो जाता है। दूसरी बात, जो हमारी महिलाएं जो महानगर पालिका के दवा खाने में नाम नोन करने जाती है उनको बाहर से ब्लड चेक करना पड़ता है, अगर ये मशीन रहा तो उनका अगर ब्लड कम रहा, डिलीवरी के टाइम में ब्लड भी कम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, सीबीसी का प्लेटलेट कम होने के चांसेस रहते हैं, तो ये मशीन अगर पूरे शहर के दवा खाने में महानगर पालिका के दवा खाने में अगर मशीन आते तो शहर की जनता को बहुत फायदा होगा। इससे पहले स्थायी समिति में मैंने बात को उठाया था, सभापति साहब ने इसको रूलिंग दिया था मगर आज 5 महीने हो चुके अभी तक कुछ प्रोसेस में नहीं आया है। इसके लिए आज समाजवादी पार्टी ने ये निवेदन दिया है कि जल्द से जल्द मशीन सीबीसी मशीन जो है हमारे धूलिया शहर के महानगर पालिका के दवाखाने में आना चाहिए।